चला 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 चला। यो यो निकल गया निकल गया निकल गया यो यो और भाग गए। फाइनली आधे घंटे से ज्यादा हम लोग यहाँ स्ट्रगल किया, तब जाके उसकी गाड़ी निकली है। अब गाड़ी निकल गई है तो वो भाग गया है। स्नो चेन लग गई ना अब। आप ये जो ऐसा मत कीजिए कि कम दूसरी लगी हुई है ना, कम स्नो है। स्नो चेन जरूर लगा के रखिए, उसको उतारिए मत। तो देखो फिर फंस गई आगे, ऐसा ही होता है, फिर फंस गई। देख लिया। और आपको बताता हूँ, जब भी ऐसे कोई गाड़ी आगे खड़ी हो, आप पीछे से आ रहे हो, स्नो के ऊपर गाड़ी रोकनी है, तो आप कम से कम तो 10 या 20 फीट का फासला जरूर रखें, क्योंकि पता नहीं गाड़ी पीछे आ जाए या क्या हो जाए, है ना, जहां आपकी गाड़ी रुकती रुकती उसके उसमें ठुक सकती है। ऐसी दिक्कत हो जाती है भाई बड़ी। मेरी तो पैर भी सुन्न हो गए, अंदर भी पूरा पानी जम गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत माइनस में है। वो रहा नाकू, वहाँ पहुंचना, हमारे बंदे वहाँ रुके हुए हैं, जिप्सी वाले जिमनी वाले। चलिए अब देखते हैं जी निकलती है कि नहीं। भाई इसको आगे जाने देते हैं। यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी और आगे भी मलिंग नाला के पास भी लैंडस्लाइड हो रही है, वहां भी काफी दिक्कत आ रही है बोल रहे हैं। चलिए चल के देखते हैं मलिंग नाला की क्या सिचुएशन है। हाँ जी देख रहे हैं आप, टर्न है, ये रोड नीचे गिर गया था जहां पर लैंडस्लाइड हो गई थी। करीबन 2-3 घंटे से ज्यादा टाइम लगा इस रोड को खुलने में। और देखिए यहाँ नीचे कितनी गहरी खाई है। और आगे काफी स्नोफॉल है यार, अभी ब्रेक भी नहीं मार सकते, धीरे धीरे चलते हैं ना यार। इन लोगों को सलूट है जो इतनी ठंड में भी यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, सॉरी हमारी मदद करते हैं, रोड बनाते हैं। ठीक हो भाई? ये देखिए ये बहुत ज्यादा, यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं लगा सकता भाई। वो देखिए आगे, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है। और हाँ मलिंग नाला सामने, और इधर ये भाई जो मोटर चल रही है ना आगे, ये ऐसे ही चलती रहती है ठंड में भी स्नो में भी। कितना, एक तो बिल्कुल स्टीक उतराई है नीचे, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रही है, इस वजह से काम चल रहा है। बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है ये। तो देखिए भाई नागिन जा रही है डांस करते हुए, नागिन डांस। तो भाई एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। ये है भाई पहाड़ों की रानी, कोई फोर बाई फोर की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को। तो एक नीचे एक गांव है, देख रहा होगा आप शायद, पर वो नीचे है, वहां जाना है हमें। भाई मैं तो इन लोगों को बार बार सलूट कर रहा हूँ सबको, इन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं रोड पे। जा रहे हैं जी नाकू लेख देखण। रोड तो मामा तू स्नो चेन लानी ना यार, मोरे दा बहुत रोड सारा चट्टा पे आ जे थले उतरना है जे रोड पे तो मिला लवांगा, बट मैं पहले गए तो हौली हौली लाई जानी होनी, तार नहीं लानी ना सही, लगी रखनी होगी तो नट जा हो जांदा है। टाइम लाने टाइम लगदा, लाने टाइम लगदा।
तो ये जी नाकू पेंट राह मुड़ जाएगा नाकू लेर वाला। अब भाई ये नाकू विलेज ये देखिए कैसे पूरा वाइट हो रखा है। तो चलिए अब चलते हैं नाकू लेक दिखाते हैं आपको। काफी नैरो रोड है यार ये, फिर भी मैं पंगा ले रहा हूँ। ये देखिए अब आगे का जो शूट है वो करेंगे शुभम भाई। सो हम जा रहे हैं लेक की तरफ। तो आना सफल हो गया, जो हमने ये लेक देख ली, हिडन लेक गांव नाको की। स्लिप कर रहा पैर, देखते हैं कितनी फ्रोज हुई है कितनी नहीं। सो गांव के लोग यहां से पानी ज़्यादा भरते हैं। सो ये देखिए ये पूरी की पूरी है नाको लेक। सो इस वक्त जो फ्रीज हो चुकी है, सो पूरी की पूरी जो लेक है फ्रीज हो चुकी है। सो मैं ये लेक के ऊपर चल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक फ्रीज है। थोड़ा सा देखिए पानी पूरा का पूरा जम चुका है। देखो ये पानी जम गया है वहाँ पे पूरा। सो अभी रिस्क है, मालूम नहीं कहाँ पे खड्डा होगा, तो अंदर ही जाऊँगा सीधा। सो ये है नाको विलेज, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से। सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। सो बड़ा अच्छा लगा ये लेक देखकर, फ्रोजन लेक देखकर। देखिए भाई नाको में हम लोग यहाँ जो बीच चौक के बीच में एक शॉप है, छोटे छोटे होटल से हैं ये, रेस्टोरेंट टाइप। यहाँ इंडियन चाइनीज सब कुछ मिल जाता है। देखिए कितने स्टिकर लगे हैं यूट्यूबरों के। सो हमने भी चाय ली है, सुबह भी चाय पी के चले थे, अब चाय पी है हमने। चाय पीते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं, है ना। चलिए भाई चाय पीते हैं और निकलते हैं। थारा भाई सरदार चाय पी रहा है, नाकों में चाय पी रहे हैं। वाह पता नहीं यार क्या है, मसाला डाल रखा है, बड़ी टेस्ट है चाय का, कोई अलग ही मसाला डाल रखा है इन्होंने। सो दोस्तों चाय हमने पी ली है भाई, अब टाइम हुआ यार कहाँ चला गया टाइम, इसके बीच में कहीं आता है पता नहीं चला।
तो मेरे ख्याल से 12 बजने वाले होंगे, तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और आगे 1 या 1.5 बजे के बीच में जाकर फिर लंच करेंगे, फिर रुकते हैं वहाँ पर जाकर। आज किसी होटल में ही रुकेंगे यार, नहाए धोएंगे अच्छी तरह से, चलते हैं यहाँ से, अब निकलते हैं। सो लीजिए भाई, हम लोग चल रहे हैं, निकल गए हैं यहाँ से। ऐसी स्नो के ऊपर जब ब्रेक लगाते हैं ना तो बहुत दिक्कत, क्योंकि एक तो पहले ये हम लोग नीचे जा रहे हैं, उतराई पे हैं, ढलान पे हैं, सो ब्रेक नहीं लगा सकते, अगर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी फिसल जाती है एकदम से। ये बहुत एंडेवर वाले भाई आए हुए हैं यहाँ पर, गाड़ी यहाँ 4x4 ही चलती है, चाहे बड़ी एंडेवर हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो। थोड़ा रोड साफ मिलता है, फिर स्नो आ जाती है। अरे बाप रे, गाड़ी भागती है, फिर ब्रेक लगाना पड़ जाता है यार, काफी दिक्कत होती है। देखिए हम लोग जो नाको से पहले घाटा लूप आता है ना, घाटा लूप टाइप है ये, वो उतर रहे हैं अब हम लोग। यहाँ अभी जहाँ स्नोफॉल नहीं है, थोड़ी इधर सामने हो गई है, पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन ये साइड नहीं हुआ अभी, ये साइड खाली पड़ी है। देखो ये स्नोमैन बना रखा, अब छोड़ो ब्रेक, चलो भाई। ये देखिए सामने का, सामने बिल्कुल भी स्नो नहीं है। ये पॉइंट देखिए, ये संगम वाला पॉइंट, ये नीचे रोड है, ये है इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल रोड है ये। कुछ पहाड़ का दृश्य, नीचे नदी बह रही, कितनी रिवर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, वेरी ब्यूटीफुल रोड। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है, यहाँ पर ये संगम होता है भाई, यहाँ पर इस रोड के ऊपर, ये इधर से आ रहा है सतलुज दरिया, इधर इस ब्रिज सामने, इधर आगे स्पीति रिवर, तो यहाँ से 2 रोड हो जाते हैं, टी पॉइंट है, हमें सीधा नहीं जाना, हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है। जब हम लोग आते हैं ना उस वक्त दिक्कत होती है, उस वक्त ये देखिए यहाँ पर ना एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो सामने ना एक बोर्ड है, यहाँ लिखा है रूपा वैली, हमें जाना है यहाँ से राइट हैंड, जब भी हम लोग आ रहे हो, ठीक है, लेफ्ट रूपा वैली की तरफ नहीं जाना हमें। सो ये यहाँ इधर नदी है, ये
ये है जी दोस्तों डीसीबी एक्सपेडिशन का काफिला। ये गए दिनेश जी। नीचे है जी नदी स्पीति और सतलुज। अब तो जी सतलुज बन गई है। देखिए भाई यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, एक गाड़ी खाई में गिर गई है नीचे। अभी मैं गाड़ी से नीचे उतर के आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि तो गाड़ी पे काफी मैं बन। भाई क्या बात हुई यहाँ? कल गाड़ी गई थी ना यहाँ से नीचे, गाड़ी नीचे कर गई। अब निकाल रहे हैं उसको, दो तो मिल गए, एक नहीं मिल रहा है उसको देख रहे हैं। भाई आप देख सकते यहाँ एक ना एक्सीडेंट हुआ कल रात को, तीन गाड़ियां नीचे गिरी हैं, दो मिल गए लेकिन एक गाड़ी अभी तक नहीं मिली। सो भाई इसलिए कहते हैं कि गाड़ी थोड़ा केयरफुली होके चलाओ, है ना, गाड़ी को चलाओ उड़ाओ मत। देखिए यहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ है, आर्मी वालों ने गाड़ियाँ रुकी और क्रेन लेकर नीचे लगे हुए हैं बंदे गाड़ी ढूंढने। तो भाई अगर ऐसी तरफ इस तरफ आते हो ऐसे खतरनाक रोड पे तो प्लीज़ केयरफुल होकर गाड़ी चलाइए। गाड़ी को धीरे, कोई बात नहीं 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, कोई ज़्यादा लेट नहीं होता बंदा। ऐसे खूबसूरत दृश्य आपको इसी रोड पे ऊपर मिलेंगे हिमाचल में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, पहाड़ों की यार बात ही कुछ अलग है। वाह जी वाह, नजारे। देखिए जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था अभी रोक रखे थे गाड़ियाँ, कुछ तो पीछे मुड़ गए, नीचे वाले रास्ते से आ जाएंगे, इस तरफ से उस रास्ते से आएंगे जो पीछे चले गए, लेकिन तकरीबन 5 मिनट तक मैं रुका फिर खोल दिया इन्होंने रास्ता। ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है बारिश के कारण। इधर देखिए ये है नीचे डैम। लोग आ चुके हैं, देखिए झरने भी गिर रहे हैं, जो किन्नौर वैली का सबसे फेमस पॉइंट है किन्नौरी गेट। ये देखिए सामने देख सकते हैं आप, ये बहुत फेमस पॉइंट है यहाँ किन्नौर का। ये देखिए पूरा रूफ बना हुआ है ऊपर, एक छत बनी हुई है रोड के ऊपर। काली घाटी लग रही है यार, पूरी काली घाटी लगा सारा। तो देखिए भाई यहाँ हो गया लैंडस्लाइड। कितना हो गया, 2 घंटे खड़े हूँ सारे, 2 घंटे तो ज़्यादा खड़ा टाइम हो गया है। और देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई है, एक गाड़ी आई आगे से पीछे, देखिए पीछे कहाँ तक चलेगी लाइन। सभी अब हम लोग पियेंगे यहाँ चाय, पंजाबी गुमक्कर ने ढाबा खोल दिया है। ये हमारे नए दोस्त हैं, क्या नाम है भी मेरे को भी पता नहीं चल रहा है, ललन।
तो ये देखिए भाई, ये किचन का बड़ा फायदा है भाई, बस एक मिनट में ओपन, एक मिनट में बंद। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हमारी लाल परी। मैगी बन रही है भाई, मैगी लंगर लग गया यहाँ मैगी का। सो देखिए भाई दोस्तों, अब तक का समाचार ये है कि हम लोग रामपुर से थोड़ा पीछे लैंडस्लाइड हो गया है और सभी गाड़ियाँ यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे से रुकी हुई हैं। तो हम लोग भी यहाँ बैठे हैं और हमारे शुभम जी बना रहे हैं मैगी। ये कुछ हमारे नए दोस्त आए हैं जिनके लिए मैगी बन रही है और चाय बन रही है। और फिर देखते हैं खुलता है या नहीं खुलता है। जैसे जिस होटल में हमें रुकना है वो शहर पर नजदीक ही है, वही रुक जाएंगे, है ना। साढ़े शुभम भाई ने, पंजाबी गुमक्कड़ जी ने मैगी बना ली है, लंगर शुरू हो गया है मैगी का। ओहो, ढाबा खोल दिया हमने शुभम, कमाई वाला दिन है आज तो, सारे यार लगा लेते हैं यहाँ पर। मेरे पास भी होंगे 5-7, या तो पीछे से ले आता हूँ मैं एक पेटी। मैगी खाओगे? यहाँ देख, तुम्हारा नाम क्या है? नायरा। अच्छा, अरे बारिश होनी शुरू हो गई यार। सो भाई मैंने तो कप में मैगी ले ली है, सबको दे दी है मैगी, बच्चे भी खा रहे हैं देखो दोनों। और थोड़ी सी मैंने कप में ले ली है। सो देखिए भाई, बात हो गई ऐसी कि हम लोग अब वापस मुड़ना पड़ा है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, वो रोड हो गया बंद। तो पुलिस वालों ने बोल दिया कि भाई आप कहीं पीछे जाकर जा तो कोई होटल ले लो, जा फिर अगर आपको कैंपिंग करनी है तो कोई सेफ जगह देखो, रोड के ऊपर नहीं कर सकते, बोला रोड काफ़ी डेंजरस है, यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है। तो अभी टाइम हो गया 6:16 हो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं भाई पीछे। एक जगह बताइए हमें पीछे बंदे ने कि भाई वहाँ रोड के ऊपर भी जगह है, वहाँ आर्मी वालों का कैंप है, अगर वहाँ लगा सकते हो तो वहाँ लगा लो, नहीं तो फिर एक और जगह है। सो देखिए भाई दोस्तों, बात ऐसी है कि रास्ते में हमें रोड के ऊपर ही रुकना पड़ गया क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई है, उस वजह से हमें, ये एक मंदिर है हमारे पास ही, हम लोग यहीं थोड़ी सी जगह थी, गाड़ियाँ लगा ली हमने और हम लोग गाड़ियों में सो रहे हैं आज। यार मुझे अपनी स्कॉर्पियो की बड़ी याद आ रही है, स्कॉर्पियो होती तो अब तक तो मैं उस पर आराम से सो जाता। थोड़ा थार में ना स्पेस कम होने की वजह से, बेड तो मैंने बना रखा है लेकिन मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं स्पीति में ज़्यादा रुकना चाहता था, मेरा कम से कम 15 दिन का प्लान था। थोड़ी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई एकदम से, उस वजह से मुझे वापस आना पड़ा, नहीं तो मैं कम से कम 10 या 15 दिन वहाँ लगाता। तो चलिए जो भगवान करता ठीक ही करता। अब मैं ना बैठा, थोड़ा मैगी पहले हमने खा ली थी वहाँ रुक कर, तो अब मैं अपने लिए थोड़ी कॉफ़ी बना रहा, थोड़ी एडिटिंग कर लूँगा बैठे बैठे। सो मैं अभी कॉफ़ी बनाऊँगा अपने लिए, एक अपने कप में ही बना लूँगा जैसे पहले बनाते हैं। सो उसके लिए मैंने सामान निकाल लिया अपना, तैयारी कर रहा हूँ, वो दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। सो दोस्तों मैंने कॉफ़ी की तैयारी कर रहा हूँ, देखिए ये है मेरा मसालों का पिटारा, मैं अभी कॉफ़ी बनाऊँगा, ये वाली वेब जला की कॉफ़ी है, ये वनीला क्रीमी वनीला फ्लेवर है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल ली है चीनी और एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें चीनी थोड़ी कम होती है, उसमें खजूर के गुड़ गुड़ को ऐसा कुछ बोला है, पालम जैगरी लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन बहुत कम होती है, तो मैंने अपने हिसाब से डाल लिया। अभी मैं अपना गैस चालू करता हूँ, यहाँ रख कर इसी के ऊपर रख लूँगा, चीनी मैंने पहले ही डाल ली है। अब इसके ऊपर मैं रखता हूँ अपना गैस निकाल के रखता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। सुन लीजिए भाई, मैंने अपना गैस ऑन कर लिया है और ये चढ़ा दिया अपना कप इसके ऊपर, बस अब ऐसा है कि गाड़ी ना हिले, अगर गाड़ी हिली तो ये गिरने का डर रहेगा। तो कप रख दिया है, तब तक मैं अपने इस फर्दर में थोड़े सेल डाल लेता हूँ, इससे क्या है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारा, वो चम्मच से हुआ नहीं है। सो देखो भाई, चाय मेरी बॉयल होने लग गई है, सॉरी कॉफ़ी। ये देखिए बॉयल होने लग गया, अब
अब गैस कर लेते हैं बंद। यार ये बस गैस ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसे ठंडा होने में टाइम लगता है अगर आप ये यूज़ करोगे तो। मगर ये यार सिर्फ ट्रैकरों के लिए है, जो हमारे ट्रैकर भाई है ना, जिन्हें ट्रैक करके जाना होता है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है या कुछ भी करना, उनके लिए सही है ये। गाड़ी वालों के लिए नहीं है ये सही, या बाइकर के लिए सही है। लीजिए भाई, कॉफ़ी मेरी रेडी हो गई है, अब इसे इंजॉय करते हैं। यार थोड़ा कप गर्म है, कप ऊपर रखा था ना इसलिए कप थोड़ा गर्म हो गया है। ये दोस्तों चाय मैंने पी ली है, कप भी अपना धो लिया है, चूल्हा पैक कर दिया अपना, सारा कुछ कर दिया है। अब इसको करते हैं बंद, रखते हैं, थोड़ा टाइम करते हैं एडिटिंग, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 7 भी नहीं बजे। फिर आराम से थोड़ा टाइम लगाते हैं एडिटिंग वगैरह करते, फिर सोएंगे यार। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नई वीडियो में।